Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दो गॉडफादर इकट्ठे हो गए, अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ। अब ये दोनों भाई बैठ के लंदन से टेलीफोनिक खिताब किया करेंगे। लंदन में दो गॉडफादर एक हो चुके हैं, अब वहां से टेलीफोनिक खिताब में फौज के खिलाफ हर्जासराई की जाएगी। कप्तान के हैदराबाद में एक तीर से दो शिकार, कहा मरियम की अदली और फौज मुखालिफ। तकरीर से वाजे हो जाता है कि डॉन लीक्स के पीछे कौन है। सिनेमा के टिकट ब्लैक करने वाले जरदारी बैरून मुल्क जायदादों के मालिक बन गए। सिंध की सबसे बड़ी बीमारी जरदारी है। पीपल्स पार्टी की होम विकेट पर कप्तान के जरदारी खानदान पर ताबड़तोड़ बाउंसर्स। बिलावल भुट्टो और फलियाल तालपुर को भी निशाने पर रख लिया। बिलावल भुट्टो, मुझे आपने कभी एक दिन कमाई की है? मुतरमा फलियाल तालपुर, आप ये बताएं कि सिंध में जो नौकरियां बिकती हैं, कौन पैसा बनाता है उनसे, किसकी जेब में पैसा जाता है? वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में तुर्क और श्रीलंकन सुदूर से अहम मुलाकातें। तैयब एर्दोगान और शाहिद खाकान रोहिंग्या के मसले पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर मुत्तफिक। वज़ीर आज़म की अफगान सदर अशरफ गनी से भी मुलाकात न हो सकी। अफगानिस्तान के साथ बरादर तालुकात चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तय करदा गाइडलाइंस पर चलेंगे। घर की सफाई के मामले पर हुकुमरा जमात में लड़ाई, चौधरी निसार विफाकी वुजरा के बाद वजीर आजम के बयान के खिलाफ भी फ्रंट फुट पर, कहा घर को साफ जरूर करें, इसका तमाशा ना बनाएं। ऐसे बयानात से दुश्मन के बयानिए को तकवीत मिलती है। घर को दुरुस्त करने का बयान, चौधरी निसार और खुर्शीद शाह एक पेज पर आ गए। अपोजिशन लीडर ने कहा इस बयान से दुश्मन ममालिक को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे का मौका मिला। ये बयान पहले क्यों नहीं आया? क्या नवाज शरीफ ने इसकी मुखालिफत की थी? घूंघट उतारो, चौधरी निसार बिलावल मत बनाओ। चौधरी निसार घूंघट उतार दें, वो बिलावल ना बने। शेख रशीद का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा शाहिद खाकान अब्बासी को एलएनजी केस में जेल भिजवाएंगे। मैं जानता हूं, आप जानते हैं और दो तीन और लोग जानते हैं, जिसमें दो फौज से हैं, दो सिविलियंस हैं, मतलब जाहिर है नाम किसी का नहीं लेते। साबिक वजीर दाखिला के एनडीए को मौजूदा वजीर दाखिला ने मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान पर किसी किस्म के खतरात के बादल नहीं मंडला रहे। हमारे जौहरी हथियारों और सी पैक पर कुछ लोगों को एतराज है, अगर अंदर से इंतशार फैलाया जाएगा तो हमें बैरूनी दुश्मनों की जरूरत नहीं। पाक फौज ने दुनिया में सबसे मुश्किल जंगें कामयाबी से लड़ी। आर्मी चीफ का एबटाबाद में जवानों और अफसरान से खिताब, कहा मकबूल तरीन और लड़ाका फोर्स जिस्मानी फिटनेस पर कभी समझौता नहीं करती। जनरल बाजवा ने फिटनेस मुकाबलों में कामयाब शुरका में इनामात तकसीम किए। नैब ने शरीफ खानदान को बुलाया लेकिन कोई भी नहीं आया। नैब रेफरेंसेस में पहली पेशी, साबिक हुक्मरा खानदान गैर हाजिर। एहतसाब अदालत ने नैब की वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमान 26 सितंबर को दोबारा तलब। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी की मुखालफत कर दी, कहती हैं एहतसाब के नाम पर सियासी और जाती इंतकाम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, एहतसाब का ये सारा मामला ढोंग है।
नैब रेफरेंसेस में इंसाफ की तवक्को ही नहीं तो शरीफ खानदान इसका हिस्सा क्यों बने? राणा सलाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आसमानी सहीफा नहीं, इस पर ईमान लाने का तकाजा न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ना आईन का ना कानून का ये तकाजा हरगिज नहीं है कि हम उसके ऊपर ईमान ले। तलाल चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ की नाअहली आखिरी वार था, अब कोई वार नहीं होने देंगे। कि वो वजीर आजम बनेंगी, वो पॉल पार्टी की हेड बनेंगी, वो जो कुछ है इसकी कोई हकीकत इस वक्त पे ये मबनी खबर नहीं है। मरियम औरंगजेब ने कुलसुम नवाज के वजीर आजम बनने से मुतालिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहती हैं, पार्टी सदर या वजीर आजम बनने से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। शरीफ खानदान इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम है। ऑफशोर कंपनियां रखने वालों के खिलाफ एक्शन न लिया गया तो लगेगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। टकराव की फजा बन रही है, ये जमहूरियत के लिए खतरनाक है। असफंद यारवली कहते हैं, लीडर खुद तस्लीम कर रहा है कि वो पख्तूनख्वा हुकूमत चलाने में नाकाम हो गया। 120 में केपीके के अवाम का पैसा पानी की तरह लगाया गया, उसी तरह लगाया गया जिस तरह नियाजी साहब के धरनों में केपीके के सरकारी वसाइल और सरकारी गाड़ियां और केपीके के अवाम का पैसा इस्तेमाल किया गया। झूठे मुनाफिक और किरदार से आरी शख्स की वजह से तहरीक इंसाफ बदनाम हो रही है। मुनशियात का आदि शख्स मुल्क का सरबरा बन गया तो फिर अल्लाह ही हाफिज। आयशा गुल अली की फिर कप्तान पर इल्जाम की बौछाड़, नाअहली रेफरेंस में भी जवाब जमा करा दिया। सिंगापुर और दुबई का मुआवजा पाकिस्तान से नहीं किया जा सकता, वहाँ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर बहस नहीं की जाती। गवर्नर सिंध का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि बैरून मुल्क कई दिन भी अखबार पढ़ो तब भी आर्मी चीफ का पता ही नहीं चलता। एनएफसी अवार्ड पर वजीर आला सिंध विफाक से नाराज, कहा विफाक से रोजाना की बुनियाद पर पैसे देने का मुतालबा किया था। आईजी सिंध के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कानिया कत्ल केस की तहकीकात, सिंध हाई कोर्ट का पुलिस कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, तफ्तीशी अफसर तब्दील करने का हुक्म, आईजी सिंध को मॉनिटरिंग करने की हिदायत, अहले खाना को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार पुलिस होगी, अदालत का हुक्म, इंसाफ की फराहमी के लिए लवाहिकीन का एहतजाज। हरिपुर की सेंट्रल जेल में मशाल खान कत्ल केस की समाअत आज से रोजाना की बुनियाद पर होगी। एटीसी ने कत्ल में मुलव्वस 57 मुलजमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी थी। रोहड़ी की सीमेंट फैक्ट्री में 2000 किलो बारूदी मवाद तल्फ करने के दौरान धमाका, बम डिस्पोजल स्क्वाड के दो अहलकार रेंजर्स का एक जवान और एक मजदूर शहीद, 9 अफराद जख्मी, शहदा की आहों और सिसकियों में तदफीन कर दी गयी। लोअरदीर में 4 रोज पहले साबिक एमपीए हाशिम खान की गाड़ी पर फायरिंग की, सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। वाकई में हाशिम खान समेत 4 अफराद जाबाक हो गए थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तलबा पाक फौज के शाना बशाना, कराची में फौजी जवानों का तलबा के साथ दहशतगर्दी से निपटने का अमली मुजाहरा, तलबा ने हथियार चलाए और टैंक में भी सफर किया। स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में भारत मुखालिफ पोस्टर्स लग गए। पोस्टर्स में भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम को उजागर किया गया, आलमी बिरादरी से भारतीय मजालिम रुकवाने की अपील। म्यांमार हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मजालिम बंद करे, सेक्रेटरी जनरल अक्वामे मुत्तहिदा का जनरल असेंबली इजलास से खिताब, रोहिंग्या मुसलमानों की नस्ल कुशी के खिलाफ ओआईसी राबता ग्रुप की अहम बैठक भी आज होगी। शिमाली कोरिया, ईरान और शिद्दत पसंद तंजीमें आलमी अमन के लिए खतरा हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब, कहा दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें खत्म करनी होंगी। शिमाली कोरिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इंडिया भी दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग का स्पॉट फिक्सिंग केस मंतकी अंजाम के करीब, शर्जील खान के बाद केस के एक और मरकजी किरदार खालिद लतीफ को भी आज सजा दिए जाने का इम्कान। लाला सिंध हुकूमत से नाराज, कहते हैं नौजवानों की तरबियत के लिए सूबाई हुकूमत से मैदान फराहम करने की दरख्वास्त की लेकिन मुझे मना कर दिया गया।